नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए जो विहार लेकर आए, उस विहार का नाम है वर्षा बुद्ध विहार, जो आता है गोपाल नगर नागपुर महाराष्ट्र में। तो देर नहीं करते, आइए शुरू करते आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये सफर। दर्शकों, इस वक्त विहार में सारी उपासिकाएं आ चुकी हैं और वक्त है विहार में आने के बाद त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों,
उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। और अब त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए उपासक उपासिकाओं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह से आज ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। बांधाला सुरुवात झाली, पहिले काहीच नव्हतं। आता आम्ही सर्वांना मिळून सण्याने हे बांधकाम केलं आणि इथं रोज अन्नवंदना होते। जय भीम। माझं नाव शकुंतला डहाट। रोज इथं वंदना होतो, आम्ही सगळ्या उपासिका हजर राहतो आणि वर्षवासामध्ये ग्रंथ चालू राहते। 14 एप्रिलला आंबेडकर जयंती आम्ही साजरी करतो, सर्वांच्या जयंती साजरा करतो। जय भीम। माझं संघमित्रा गजबी आहे, आम्ही याच्या पुढे राहिलेलं बांधकाम पूर्ण करणार आहोत आणि कार्यक्रम पण आम्ही याच्या पुढे पण चांगले करणार आहोत। जे भी काही जयंत्या आल्या त्या पूर्ण आम्ही साजऱ्या करत आहोत। दर्शको, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है। इस वक्त छोटे से ब्रेक का कहीं जाइएगा मत, बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। पैर बोलो, कान पकड़े सबने। माझ्या विमाच्या नावाचं कुंकू लावेल रमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का, श्रवण करने का और उसे जीवन में उतारने का। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। दर्शकों, एक जगह पर एक बड़ा सा हॉल था जहां पर हजारों लोग आए हुए थे। तो वहां के आयोजक ने ये किया कि सभी को बाहर बुलाया और उसमें ढेर सारे बलून्स, जिसमें गुब्बारों में हवा भरी हुई थी, ऐसे गुब्बारे उस वहाँ पर सबके नाम लिखकर ऊपर छोड़ दिए और सबसे कहा कि अब आप सभी को अपने अपने नाम का गुब्बारा 5 मिनट में ढूंढकर निकालना है। सभी लोग हॉल के अंदर प्रवेश किया और सभी लोगों ने जब प्रवेश किया तो सभी अपने नाम का बलून खोजने में समय गंवाने लगे और किसी को अपने नाम का बलून मिल ही नहीं रहा था। और इस तरह वो समय भी खत्म हुआ। जब सब लोग बाहर आए तो बस कुछ ही लोगों के हाथ बलून्स थे और बाकी सबके हाथ खाली थे। आयोजक ने फिर से उनसे एक बार कहा कि अब आप एक बार फिर से इस हॉल में जाएं, लेकिन इस बार अपने नाम का बलून न ढूंढते हुए जो भी बलून्स आपके हाथ में आता है उस पे जिसका नाम लिखा है उसका नाम पुकारे और देखे क्या होता है। कुछ देर बाद जब लोग सब बाहर आए तो सभी के हाथों में बलून था। हुआ ये था कि इस बार हर कोई अपना बलून नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि जो बलून हाथ में आया उसका नाम पढ़कर उसे पास बुलाकर वो बलून सौंप रहा था। इस तरह 5 से 10 मिनट में ही सभी को अपने अपने बलून मिल गए। दर्शकों, इस कथा से हमें भी ये सीख मिलती है कि हम जिंदगी में हमेशा खुशियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन खुशियाँ जो है वो आगे दौड़ती रहती है और हमें खुशियां नहीं मिलती, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए खुशियां चाहते हैं। अगर हम औरों को खुशियां दें तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी वो वही खुशी होगी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब लोगों ने खुद के लिए बलून ढूंढने चाहे तो नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने वही बलून दूसरों के लिए ढूंढे और उन तक पहुंचाए तो उन्हें भी अपने नाम का बलून बड़ी ही आसानी से मिल गया। इसी तरह अगर आप भी औरों को खुशियां बांटेंगे तो आपको भी खुशियां निश्चित तौर पर मिलेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है, अच्छे विचार है, तो बस देर मत कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप के जरिए हमें अच्छी अच्छी कथाएँ, अच्छे अच्छे कहानियाँ, अच्छे अच्छे विचार जरूर भेजे। और जब भेजे तो अपना नाम और पता लिख कर जरूर भेजे। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो देर किस बात की, आओ मिलकर गाए। माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लावेल रमान, कुंकू लावेल रमान, कुंकू लावेल रमान। माझ्या भीमाच्या नावाचं माझ्या विमाच्या नावाचं कुंकू
कुंकुलावेल रमान, कुंकुलावेल रमान, कुंकुलावेल रमान, कुंकुलावेल रमान, कुंकुलावेल रमान। दर्शकों, एक बार फिर से मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि मैदान जो है हमारा गेम का ये सज गया है और खिलाड़ी के रूप में उपासिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये वही खेल के लिए मौजूद है जो गेम सबको पसंद आता है, सबको अपना बनाता है, सबको दीवाना बनाता है और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इसके पहले कि हम शुरू करें, सबसे पहले इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते रहना है। इस बीच मैं इन्हें हाथ पैर नाक कान सर इसमें से किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। शरीर के उस हिस्से को इन्हें दोनों हाथों से छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले करके दिखाएगा मेरे साथ मेरे बोलते से ही वो इस गेम का विनर होगा। जो दर्शक देखते आ रहे हैं इतने महीनों से उन्हें पता है क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो आइए इस गेम का लुत्फ आप भी उठाएं, हम भी उठाएं और बाबा साहब की दीवानगी में खो जाएं। तो हमेशा की तरह हम पहले एक ट्रायल ले लेते हैं कि ये लोग नॉर्मल है या नहीं। सर पकड़े, नीचे छोड़ दें। ओके, सब लोग नॉर्मल है, सब लोग सामान्य है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इन्हें मैंने सर पकड़ने के लिए कहा और इन सब ने बाकायदा सर पकड़ कर दिखाया है। अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी ही आसानी से कर पाते हैं या नहीं। तो अब आप भी देखिए और हम भी देखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला कान पकड़े सबने। तो दर्शकों, इनकी हंसी रुक नहीं रही है और आज भी वही हुआ जो इतने महीनों से इतने सारे एपिसोड में होते आया है कि कोई विनर नहीं है। इन सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़ लिए। जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ है, सर कहाँ है, कान कहाँ है और हमें कहाँ कह जाता है और हम क्या पकड़ लेते। तो वही हुआ जो होते आया है और मैं यही कहूंगा और कहता रहूंगा कि हाँ दर्शकों, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में। वक्त है इस वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। अच्छे स्वभाव का फायदा ये है कि वो जो अच्छा स्वभाव होता है वो एक फूल की तरह होता है, उसे इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप भी ऐसे ही महकते रहें, आपका चरित्र इस तरह महकते रहे, यही मंगल कामना है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। माझं नाव प्रेमशिला गुलाबराव बागडे। बताए। धरती प्रश परश प्रश। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। मेरे साथ में सारी उपासिकाएं इस वक्त मौजूद है। अब हम इनसे सवाल जवाब करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये है, तो बाबा साहब का जन्म दिवस जन्म कब हुआ था ये आप मुझे बताएं, कौन से वर्ष में हुआ था। कौन बता सकता है, सिर्फ हाथ ऊपर करे, बोले नहीं। महीना और दिन आपको पता है, साल मुझे चाहिए, सिर्फ हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। चलो आ जाएं आप, बताएं। जय भीम, आपका परिचय दें। ललिता मिश्रा। बताएं। 1891 साली तारीख 14 अप्रैल महीना। ठीक है कि चुकी थी मैं। आपने गेस किया कि वैसे ही बताया कि पता है आपको। आप रुके तो खरी, आप तो अभी जा रहे हो, अभी मैं बताया नहीं आपको कि आपका जवाब सही हुआ है या गलत हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां।
बिल्कुल सही जवाब मिला है। लेकिन दर्शकों देखिए, आज भी इस सवाल के जवाब के लिए सिर्फ 3-4 ही हाथ ऊपर हुए थे, जबकि ये सवाल का जवाब सबको पता होना चाहिए था। अब एक और सवाल मेरा, आसान सा सवाल कि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, कई बार ऐसा होता है कि उनकी उंगलियां इस तरह नीचे होती है, एक अलग मुद्रा में होती है, ऐसी उंगलियां नीचे होती है, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है जिसमें महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध विराजमान है और उनकी उंगलियां सीधे हाथ की ऐसी नीचे होती है, उसे कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर है। ये बहुत आसान सवाल है, कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। एक हाथ ऊपर हुआ है, आ जाए, एक हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों, जबकि मैंने भी कल परसों पूछा था। बताएं। माझं नाव प्रेमशिला गुलाबराव बागडे। बताएं। धरती पर्श भूमि पर्श की धरती पर्श स्पर्श आपका कहना है, पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो जवाब है बिल्कुल ही गलत नहीं है, सही है। जोरदार तालियां। भूमि स्पर्श इस मुद्रा को कहा जाता है। कितनी बार ये विहारों में मैं पूछ चुका हूं और अभी हाल ही में पूछ चुका हूं। खैर, अब मेरा अंतिम सवाल ये है, दीक्षा भूमि नागपुर में है, ये सबको पता है, अभी अब नागपुर में शूट कर रहे हैं। इसके अलावा दीक्षा भूमि और भारत में कहाँ है? सिर्फ हाथ ऊपर करें, किसे पता है? आ जाएं आप, अपना परिचय दें। माया धड़ाड़े। बताएं कहाँ पे है? चंद्रपुर में, 14 अक्टूबर ला हो ना, 15 अक्टूबर कन्फ्यूज कंपेयर करता थी। कन्फ्यूज कुठे गए? मैंने सिर्फ पूछा है कहाँ पे है, बाकी मेरा कोई सवाल नहीं। चंद्रपुर में, सिर्फ चंद्रपुर में है। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, आपका कहना है कि दीक्षा भूमि नागपुर के अलावा चंद्रपुर में है, और मैं आपको बता दूँ कि आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल ही गलत 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 बिल्कुल नहीं है, सही 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 है। दर्शकों देखा, इस सवाल के जवाब के लिए भी सिर्फ 3-4 हाथ ऊपर थे, जबकि इस सवाल के जवाब के लिए भी हाथ सभी के ऊपर होने जरूरी थे। खैर कोई बात नहीं, सवाल जवाब का राउंड हम यही समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है सामूहिक शपथ लेने का, वही शपथ जो हर बिहार में हम लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को बिहार में जाना ही चाहिए, यह उसका कर्तव्य बनता है। और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए और इसी आदेश का पालन करने के लिए हर बिहार में हम शपथ लेते हैं, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। आपसे विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर जरूर ली होगी, और न सिर्फ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर जरूर करेंगे। दर्शकों आवाज इंडिया टीवी को आप लोगों का प्यार आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है, और यही हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लाने के लिए।
इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे निभाया है और चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक उपासिकाओं ने इस विहार में चैनल को मजबूत बनाने के लिए विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य पूर्ण केला, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अभी निभाई है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझा कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। दर्शकों, ऐसा था वर्षा बुद्ध विहार जो आज हमने आपको दिखाया, जो आता है गोपाल नगर नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्यारा सा विहार है तो बिल्कुल देर न करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर विहार की पूर्ण जानकारी लिखकर हमें जरूर व्हाट्सएप करें। हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का। और सारे विहारों को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा में सारे विहार YouTube पर उपलब्ध है। बस आप अपना विहार, अपनी आवाज टाइप कीजिए और जो विहार आपको चाहिए उस विहार का नाम लिखिए, आपको सारे विहार नजर आ जाएंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा, अच्छे विचार है, अच्छे सुझाव है, वो भी आप हमें इस WhatsApp नंबर पर भेजें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे विक्रम को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन नीलेश जी और श्रेयस जी के साथ फिर मैं आपसे करूंगा भेंट नए विहार में, नई जगह पर। तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और हाँ, देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़।